गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, अभी 12 बज रहे हैं और मैं लेने जा रही हूँ गुन्नू को, क्योंकि वो गया था स्कूल और आज से विहू भी स्कूल गया है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने लिए वीडियो वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। सो काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए और अभी जा रही हूँ मैं गुन्नू को लेने। टाइम हो गया, देखती हूँ अगर जो बाल काटने वाली शॉप है उस पर अगर भीड़ नहीं हुई, क्राउड नहीं हुआ तो गुन्नू के बाल भी कटाने हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए। कल मैंने उसके कट लगाया था बालों में यहाँ पे, क्योंकि आँखों में घुस रहे थे बाल। सो कभी भी जाओ यहाँ पे भीड़ ही मिलती है, तो इसलिए उसके बालों में इतना टाइम लग जाता है, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। सो अभी काफ़ी बड़े हो गए बाल, तो मम्मी भी बोल रही थी अभी घर गई थी तो कि इतने बड़े कर रखे हैं लड़कियों जैसे, तो इसके बालों की कटिंग करानी है। देखते हैं कि वहाँ पर कोई है या नहीं, नहीं हुआ तो कटिंग कराएंगे, वरना फिर संडे का वेट करेंगे। वरना दिनों का भी वेट करना पड़ता है, जैसे ट्यूसडे को नहीं कटाते हैं और थर्सडे को नहीं कटाना, सैटरडे को नहीं कटाना। सो फिर कुछ गिने चुने दिन होते हैं और उनमें भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है पंगा, तो इसलिए डिले होता रहता है। इसलिए वो लड़की बन चुका है पूरी तरह से। कल मैंने कट लगा दिया था तो अभी लालू प्रसाद लग रहा है बिल्कुल। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि दुकान पर कोई है भी या खाली बैठा है वो। तो लेट्स गो। अभी मैं निकल गई हूँ और यही बगल में ही है शॉप। कहाँ तोड़ दी? क्या कर दी थी? टोपा फेंक दिया। और क्या तोड़ दिया? खिलौने भी। और आपके पास क्या है? किससे बात कर रहे हो? किसी से? हाँ, मुझे फोन कर रहे थे। चलो बाय कर दो आंटी को, बाय। रो रहा था क्या? रोते हुए ये आ गया मेरा गुन्नू। ये अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बाल कटाने, हेयर कट कराने। क्यों ऐसे अच्छे तो लग रहे हो? मुझे लग रहे है। लड़की लग रहे हो आप तो। मुझे कटाने कटाने हैं। ऐसे ठीक है गुन्नू? ए यहाँ पे कटते हैं, यहाँ थोड़ी ना कटते हैं। भैया फ्री हो क्या? नहीं। कब तक? कितने बज जाएंगे? 3-4 घंटे? इतने नंबर लगे हुए हैं? चलो फिर संडे को उठाएंगे। लड़की बन चुका है पूरी तरह से। चलो नहीं। अरे अंकल बोल रहे हैं अभी 4 बजे आना पड़ेगा। ठीक है 4 बजे आएंगे। चलो चलो ठीक है। क्या हुआ? कुछ और ले लो। क्या चाहिए आपको? हाँ इसमें मिर्ची होती है, मिर्ची है, टमाटो है। टमाटो यही लेना है? हाँ। कितने का है ये? मिर्ची है इसमें? अच्छा मिर्ची वाला तो ये है, वो टमाटो वाला है। हाँ टमाटो वाला है। पसंद है आपको? फालतू चीज़ें क्या नहीं पसंद होती बच्चों को। टमाटो है ये, इस पर लिखा है टमाटो है। हाँ, अच्छा आपको पढ़ना आता है? इधर ही रहो। चलो क्या खाओगे? हाँ बड़ा चंट है। लाइन पे चलना है। आपके बाल कट गए? कट गए बाल? क्यों नहीं कटे? अंकल ने बोला बाद में आना। अच्छा बोल देते अंकल पहले मेरी काट दो। नहीं काटेंगे भाई, अभी बहुत भीड़ है, बाद में आएंगे हम लोग, है ना? ठीक है अभी अभी चलो घर पे चलते हैं। उधर क्या है? उधर क्या नानी का घर है? हाँ उधर क्या आपकी नानी का घर है? तो हम लोग आ गए हैं और आज भी इसके बाल नहीं कटे। हमेशा कुछ ना कुछ यही प्रॉब्लम होती है, भीड़ लगी रहती है शॉप पर। एक ही शॉप है यहाँ पे अंदर। गोद में ले लूँ? कांड करके आए स्कूल में? हाँ। हाँ। अच्छा लोग आ गए हैं, इसके मैंने चेंज वगैरह कर दिया है। ये लेने गए थे आप? हाँ।
आप गंदे बेबी हो। और आज गुन्नू अपने अपने स्कूल में क्या तोड़ कर आया है? काटी। क्यों बेटा? काटी है। बंदी थी तो ऐसे तोड़ते थोड़ी ना, कोई और बच्चा खेल लेता। किस टीचर ने डांटा? नहीं भाई। क्यों? पेटू पाटू वाली थी। क्या पेटू पाटू वाली थी? पीछे पढ़ने वाली थी। हाँ। पीछे पढ़ने वाली थी मतलब पेट फाड़ने वाली थी। हाँ। टीचर ने बोला ऐसे? हाँ। नहीं बट वो उल्लू बना कर दी। हाँ उल्लू बना रही थी आपको वो टीचर। उल्लू बना ली थी। तो अभी मैं रखने जा रही हूँ अपने कपड़े। कल मैंने कपड़े धोए थे इतने सारे, और उसके बाद मैं आपको सूट दिखाऊंगी जो मम्मी ने दिया था ना, उसमें चुन्नी वुन्नी में उन्हें कैसे कैसे लेस लगवाई है। चुन्नी बिल्कुल बच्चों की तरह दे रखी थी, उसमें झल्ली सी लेस लगा रखी थी बिल्कुल बेकार वाली। सो वो लेस पूरी चेंज करा के पूरे में अच्छी सी लगवा दी है, तो दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। आप नहीं लाते हो मेरे लिए? हाँ खाना है सारे। सो ये रहा सूट, और इसकी चुन्नी ऐसी करवा ली मैंने, अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। गोटा पट्टी लगवा दी मैंने इसमें। सो अब ये लग रहा है प्यारा सा दुपट्टा, वरना यहाँ लगी हुई थी वो इतनी बेकार सी सस्ती सी लेस लगी हुई थी। और इसके इसका जो सूट है इसमें स्लीव्स नहीं थी, सो स्लीव्स में भी मैंने ये गोटा पट्टी लगवा दी। इतनी पतली वाली नहीं मिली, सेम कलर तो मिल गया है बट पतली वाली नहीं मिली। ये पतली और ये मोटी वाली लगी थोड़ी, तो मैंने चुन्नी में और स्लीव्स में लगवा दी है मोटी वाली गोटा पट्टी। सो अब हो गया ये प्रॉपर सा सूट, और ये देखो इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी है, इतना प्यारा सा लुक आ रहा है ना पहन के, बहुत प्यारा। तो मुझे ना ऐसी सरारा टाइप के सूट और इस टाइप के, मतलब जो सिले हुए होते हैं ना, शुरू से मैंने ना सिले हुए कपड़े ज़्यादातर पहने, रेडीमेड जो कपड़े होते हैं ना वो मुझ पर अच्छे लगते हैं, और उन मेरे को वो ही पसंद आते हैं। और जो सिलवा कर पहनते हैं ना उनमें तो मैं पता ही नहीं कैसी लगती, वैसे शक्ल बिगड़ती जा रही हूँ दिन दिन पे दिन, शक्ल पता नहीं क्या होता जा रहा है, क्या क्या बीमारियाँ आ रही हैं, दवाइयाँ खाने से कभी कहीं सूज रहा है, कभी कहीं सूज रहा है, कभी कहीं सूज रहा है। सो इसका शरारा देखो आप, कितना घेर है इसमें, कितना घेर है, और इसमें लाइनिंग भी दी हुई है, तो अच्छी खासी इसमें लाइनिंग भी दी है। और इसमें ना एक चीज़ और करवाई है, ये नहीं थी मियानी नहीं थी, इसको मियानी बोलते ना जो पैंट इसके नीचे होती है, ये मियानी नहीं थी, तो ये मामा ने लगाई है। जो स्लीव्स का कपड़ा था काफ़ी बड़ा था, मतलब फुल स्लीव्स का था इसमें कपड़ा, तो मैंने बोला काट दो और इतनी स्लीव्स बना दो 10 इंच की, तो वो 10 इंच की स्लीव्स बना दी। वरना गर्मियों में ना जॉर्ज थोड़ा सा चुभता है, वैसे चुभने वाला नहीं है, सॉफ्ट वाला है, चुभेगा नहीं, बट फिर भी मैंने इतनी सी स्लीव्स बनवाई है। बाकी इसमें मियानी लगवा दी, काफ़ी कपड़ा बच गया था। गुन्नू दिखा रहा है आपको, देख लिया, कितना देखेंगे इसको, कितना देखेंगे इसको सब, क्योंकि मैंने आज पता है इतने में जब से मम्मी के यहाँ से आई हूँ ना तब से मैंने आज कॉम किया है बालों में, मतलब इतना, जब ही घर में रहते वीहू की क्लास लग रही थी ऑनलाइन, सो सुबह 8:30 बजे से उसकी क्लास होती थी, तो 8 बजे उठाओ उसको ब्रेकफास्ट कराओ और सारी तैयारियाँ करके दो, हस्बैंड का लंच पैक करके दो, 7:30 का उनका स्कूल होता था। आज ये दोनों गए थे, तीनों गए थे, तो आज थोड़ा सा फ्री हुई, तो आज मैंने अच्छे से कॉम किया अपने बालों में, और आज ऑयलिंग भी करूँगी अपने बालों में, ऑयल लगाऊंगी। गुन्नू के बाल इतने बड़े हो गए, मम्मी बोल रही क्या लड़की बना रखा है, तो मैंने देखो इसके बाल कैसे कट कर दिए हैं लालू प्रसाद जैसे। ये किसने कट किए? सो इसके बाल आँखों में आ रहे थे, ये ऐसे देखता था ऐसे ऐसे करके, तो मैंने कट कर दिए। भाई क्या लगा रहा है, सब भी काट दी क्या? गुन्नू क्यों लगा रहे हो इतना सारा? आपके काम का है ये? नहीं ये सबके काम का होता है, वेस्ट नहीं करते। पर इसकी कैप कहाँ है? इसकी कैप किधर है बेटा? हाँ दिखाओ, इधर कैप पड़ी होगी इसकी, ये रही। अब पागल हो इतना सारा फेस पे, चलो उसको मर्ज करो पूरे में, अच्छे से रगड़ो अच्छे से, हाँ अच्छे से, कितना सारा लगाया है, अच्छे से करो और लगाया अभी तो, हाथ के पीछे देखो अपनी उंगलियों पे, फिंगर्स पे, पीछे 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 फिंगर, पीछे फिंगर पे, हाँ इसके बाल। सो अभी थोड़ी देर में डैडी और भैया भी आने वाले हैं। हाँ? किसकी कॉपी ये खोल कर दिखाओ,
ये किसका काम है? ये तो मैम नहीं दे सकती आपको। ये किसी और की है बेटा, है ना? अरे ऐसे नहीं फेंकते, ये किसी और की है। कल आप स्कूल जाओगे तो मैम से बोल देना, मैम आपने किसी और की रख दी मेरे बैग में, ठीक है? वापस कर देना कल मैम को, ओके? आज इतने दिनों बाद भी स्कूल गया तो इसका मन नहीं लग रहा, ये देखो रो रहा है। क्या हुआ? डैडी चाहिए। अच्छा, इसमें डैडी है। डैडी की फोटो देखकर रोना आ गया बेटू को। ओले ओले बेटू को डैडी की फोटो देखकर रोना आ गया। बाबू स्कूल गए ना, अभी थोड़ी देर में आने वाले, बस आधे घंटे में या एक घंटे में आ जाएंगे। ओले बाबू को फोटो देख के डैडी की याद आ गई। देखो डैडी का फोटो और इसको देख के गुन्नू को डैडी की याद आ गई। ऐसे रो रहे हो आप तो जैसे डैडी बहुत दिन के लिए कहीं पे गए हैं। डैडी तो अभी आ रहे हैं, डैडी तो डेली जाते हैं ना। डैडी नहीं, इसको डैडी चाहिए। कभी ऐसे मम्मा के लिए रोता है, कभी डैडी के लिए। डैडी आज कैसे डैडी की याद आ गई अचानक से? डैडी तो डेली जाते हैं। ओले बेटू चलो खाना खाते हैं। बेटू आओ आपको खाना खिला दूं। चलो बच्चे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब डेली जाते इसके डैडी, बट आज कैसे याद कर करके रो रहा है। फोटो देखिए, देखो देख देख के याद कर रहा है। अरे बेटा डैडी स्कूल गए हैं, अब बात करा दूं डैडी से, बात करा दूं। अरे बेटा चलो डैडी से बात कराती हूँ मैं आपकी। हाँ काफ़ी देर रोने के बाद गुन्नू इतनी मुश्किल से चुप होकर सोया है, क्योंकि इतने दिन से इसके डैडी और विहू दोनों ही घर पे थे तो दोनों की आदत पड़ गई थी इसको। और जब वो आज स्कूल गए तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी देर के बाद ये रो धोकर सोया है। गुन्नू को सुला दिया था और थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट कर लिया, और अभी आ गए विहू और उसके डैडी। मैंने उनको बताया गुन्नू कितना रो रहा था, और ये रहा विहू। टीवी चल गई आते ही, तो अभी मैं बना रही हूँ लोगों के लिए रोटियाँ। सब्जी में बना के रख लेती हूँ, और रोटी जब खानी होती है तब बनाती हूँ। सो मैंने अभी गुन्नू को भी खिलाई थी, गुन्नू सो चुका है। पूछना रो क्यों रहा था? क्यों रो रहे थे? आ जा। अरे मेरे पीछे क्यों रो रहे थे? अच्छा यहाँ बैठ जा। क्यों रो रहे थे ये तो बता दो। कहाँ है मेरा आई कार्ड, कहाँ गया? दे दो ना आई कार्ड तो दे दो। क्यों रो रहे थे? इसको देख देख के ना बाबू लाते हैं ना। जब गुन्नू सोकर उठा तो उसे डैडी दिख गए, और डैडी को देखकर हो गया खुश, क्योंकि उन्हीं के इंतज़ार में रो रो कर सोया था। और यहाँ पे मैं ऑयलिंग कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता और मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे अपने बालों में भी कुछ करना होता है। सो मैंने ऑयलिंग की, फिर उसके बाद मैंने किचन में देखा मेरे हस्बैंड बना रहे थे आंवले का इंस्टेंट अचार। बहुत टेस्टी था, यम्मी सा बना था। और यहाँ पर इनकी स्माइल देखो, बहुत अच्छा सा टेस्टी सा अचार बना था। फिर मैंने येलो राइस बनाया आज काफ़ी टाइम बाद। हमारे घर आज चावल बने थे, क्योंकि गुन्नू को येलो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खुश होकर खाता है वो। तो यहाँ पर मैंने झटपट से चावल बनाए। आज कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। सुबह के लिए मटर छील कर रखी, क्योंकि सुबह हड़बड़ी में फिर हो नहीं पाता है, तो सारा काम मैं रात में करके रख देती हूँ। और यहाँ देखो गुन्नू के खाने का तरीका, मतलब जिस दिन चावल बन जाए ना तो उसे तो बस चावल ही चावल दिखते हैं और कुछ दिखता नहीं है। और थोड़े 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 करके ना काफ़ी देर तक वो खाता रहता है। तो ये देखो कैसे खा रहा है। ऐसे कौन खाता है? डैडी तो नहीं खाते ऐसे, डैडी तो स्पून से खाते हैं। डैडी छोटे थे जब ऐसे ही खाते थे। हाँ। किसने बता दिया? सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे न्यू तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। सो बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वन।